आखिर बिग बॉस किसके लिए है बायस्ड? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बिग बॉस जो है बायस्ड है, इनको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी को वहां पे निगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दरअसल क्या हो रहा है, अब मैं बहुत बार आपको न्यूज बताता हूँ और उस न्यूज में से कुछ न्यूज ऐसे होते जो मैं आपको बताता हूँ लेकिन वहां पे वो दिखाई नहीं जाते और फिर बाकी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई तू जो न्यूज बताता है वो तो वहां पे हुआ ही नहीं, फिर तू गलत न्यूज क्यों बताता है। अब यहाँ पर एक वीडियो बुरी तरीके से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और वो वीडियो है हिना खान का, जो जब विकास गुप्ता का सीजन था तब वो रनर रह चुकी है वहां पे। तो हिना खान का ये कहना था, आपने देखा होगा कि बिग बॉस में यहाँ पे हिना खान आ गई थी वहां पे प्रमोशन के लिए और हिना खान ने वहां पे आसिम रियाज का नाम लिया था, ऐसे हमें दिखाया गया था कि आप टॉप में किसे देखना चाहते हो और वहां पे आसिम रियाज का नाम लिया था। हिना खान लाइव आई थी और हिना खान ने ये कहा कि मुझे बताया गया कि आपको कौन लगता है कि जो फाइनल तक जाएंगे और टॉप में है। तो वहां पे चार नाम हिना खान ने लिए थे, उसमें से एक नाम था सिद्धार्थ शुक्ला, दूसरा नाम था आसिम रियाज, तीसरे नाम थे वहां पे शहनाज गिल यानी सना और चौथा नाम था पारस छाबड़ा। तो इन चारों का नाम मैंने लिया। लेकिन अब जब मैंने वो खुद एपिसोड देखा टीवी पे जब आने के बाद तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि वहां पे सिर्फ मैंने जो आसिम का नाम लिया था उनकी तारीफ की थी बस वही नाम वहां पे दिखाया गया, बाकी लोगों की भी मैंने तारीफ की थी, बाकी लोगों का भी मैंने नाम लिया था, ये सब कुछ वहां पे दिखाया नहीं गया। तो ये सब क्या है, सिर्फ आसिम रियाज का ही वहां पे दिखाया गया। अब यहाँ पे मुझे ये पता नहीं चल रहा कि बिग बॉस किसके लिए वहां पे बायस्ड है। अब हिना खान के मुंह से ये बात आई है, अब बहुत सारे लोग आएंगे इंटेलिजेंट लोग जो कमेंट करेंगे कि भाई आप जो है आपके पास क्या प्रूफ है हिना खान ने ये बात कही है वगैरह वगैरह। तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरा जो आईडी है @trader06, यहाँ पे मैं लिंक भेज दूंगा उस वीडियो की जो हर तरफ हर कोई वायरल कर रहा है, शायद आपने देख भी लिया होगा, सिद्धार्थ शुक्ला के फैन क्लब हो, शहनाज गिल के हो, पारस छाबड़ा के हो, हर कोई वहां पर जो है इस वीडियो को वायरल कर रहा है, वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो यहाँ पे आप आ जाओ, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो की, आप खुद अपने कानों से सुनो कि हिना खान वहां पे क्या कह रही है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या लगता है, किसके लिए है बायस ये शो? या फिर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इनको अगर ये दिखाना नहीं था तो किसी का भी नाम लेते हुए वहां पर नहीं दिखाना था, अगर दिखाना ही चाहिए था तो वहां पे हर किसी का नाम लेते हुए हिना खान को दिखाना चाहिए था। आपकी क्या है इस पर राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और कैप्टन की खबर क्या है, हर किसी के हर जितने भी सोर्सेस है मेरे हर तरफ से यही समझ में आ रहा है कि सना ही कैप्टन हो गई है, फिर भी कोई भी कंफर्म नहीं है। अब ये कंफर्म नहीं है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर न्यूज गलत हो गई तो मुझे डांटते हैं यार, मुझे बोलते हैं कि यार तू गलत न्यूज क्यों देता है, इसलिए मैंने फिर एक बार वीडियो नहीं बनाया है अभी तक। तो देखते हैं पक्की न्यूज आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।